बातें करूंगा, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। देखिए, एक तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लोगों ने कह रही है बड़ा मौजूद लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया करो आप। मैं अक्सर कहता हूँ कि पीटीआई के कुछ चवल वजीर हैं, और लोग कहते हैं यार ये मौजूद लफ्ज़ ही मत इस्तेमाल करो उसके लिए। मैंने कहा कुछ और लफ्ज़ मिलता नहीं है मुझे, असल में मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ये बता दूँ, लोगों को लगता है कि बुरा लफ्ज़ है, चवल उसको कहते हैं जो चवलें मारता है, और चवलें मारने का मतलब है कि पता कुछ नहीं है, इधर उधर की बस वो हाँके जाता है और बस किए जाता है बातें। आज भी उसे चवलें मारी है दो चार, मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा कि एक रिपोर्ट आई सईद गनी के खिलाफ, और फिर उस अफसर का तबादला हो गया। मेरे भाई, ये रिपोर्ट मार्केट में कब आई है? जब सिंध काबीना ने कलीम इमाम को निकालने का फैसला किया, और ये रिपोर्ट जो उसके ऊपर तारीख है वो गालिबन जनवरी 2018 की है। मुझे अभी भी याद नहीं है कि शायद जनवरी 2018 की तारीख उसके ऊपर है। जनवरी 2018 के बाद वो अफसर कराची में, मेरे पास तो एसपी था, कराची में एसएसपी सेंट्रल लगा, उसके बाद एसएसपी वेस्ट लगा, उसके बाद ये शिकारपुर गया है। अब इस आदमी को जो फाकी वजीर उसमें चवल लगूं तो क्या कहूं? ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं जो सबके सामने मौजूद हैं। अच्छा, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है कि पीटीआई वाले और खासतौर पर जो दो चार चवल वजीर हैं, ये कहते हैं ये तो उजैर बलोच कह रहा है, अच्छा भाई। कभी कहते हैं ये तो जुल्फकार मिर्जा ने कहा था, अच्छा भाई। दो चार और नाम लेते हैं, मैं कुछ नाम आपके सामने लेता हूँ, कंपैरिजन कर लीजिएगा कि मुनासिब मोतबर आदमी कौन है, और फिर मवाजना इसका करें। एक है जस्टिस वजीदीन साहब, ये इन दोनों से मोतबर है कि नहीं है? कोई शख्स इनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकते। एक है अकबर एस बाबर साहब, मोतबर आदमी है, अच्छे इंसान है, पीटीआई के बानी मेंबर हैं, बनाने वालों में से हैं। एक है आयशा गुलालई साहिबा, इनकी अपनी एमएनए रही हैं। एक हैं रेहम खान साहिबा,